हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर दोबारा होगी काउंसलिंग, कब तक आएगी आपकी फर्स्ट लिस्ट, ठीक है दोस्तों, और क्या रहेगी आपकी नई कट ऑफ, नई का ठीक है दोस्तों, और कब तक आपका ये अगर रिकाउंसलिंग, दोबारा काउंसलिंग होती है तो कब से स्टार्ट होगी दोबारा काउंसलिंग और कब तक आ जाएगी आप फर्स्ट लिस्ट। इन 3-4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। आपके प्यार प्यार सपोर्ट के लिए सभी को धन्यवाद। एवं कोई भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, ठीक है दोस्तों। ओके, तो हम पहले बात करते हैं कि आपकी रिकाउंसलिंग, दोबारा काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो इसके बारे में जो कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि दोबारा काउंसलिंग सर कब होगी, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। मतलब एक तो ये चीज़ है, जिन बच्चों ने काउंसलिंग करा रखी है वो कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो उसमें वो संशोधन कर सकते हैं, कि जिसने ऑल राजस्थान नहीं लिखा है वो ऑल राजस्थान कर सकता है, और ऑल राजस्थान और कोई कॉलेज संशोधन करना चाहता है कि 3-4 कॉलेज बढ़ाई गई हैं तो किसी को होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए कॉलेज, तो इस हिसाब से अपना होम डिस्ट्रिक्ट कॉलेज देख सकता है, ठीक है, उसमें भर सकता है। और कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें बताया गया है कि अगर कुछ बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई है तो दोबारा काउंसलिंग, अभी नए फॉर्म जब काउंसलिंग के स्टार्ट होंगे तो उसमें काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। कुछ बच्चों ने कम जिन बच्चों के नंबर थे उन्होंने काउंसलिंग ही नहीं कराई थी पहले, तो काउंसलिंग करा सकते हैं, ये कोर्ट का आदेश है। तो अभी आप फिर कमेंट करेंगे कि सर कब होगी काउंसलिंग स्टार्ट, तो आपको बता दूं मैं इसके बारे में 25 से और 28 के बीच में आपको नोटिस मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, नोटिस मिल जाएगा 25 से 28 के बीच में, देख लेना 25 से 28 बता रहा हूँ, इसी के बीच में आपको नोटिस मिल जाएगा। और करीब 28 तारीख से आपके रिकाउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 28 तारीख से अगर रिकाउंसलिंग स्टार्ट होगी तो करीब 1 तारीख तक वो आपकी 1-2 तारीख तक काउंसलिंग चलेगी, ठीक है दोस्तों। और बात करें हम आपके फर्स्ट लिस्ट के बारे में, अगर फर्स्ट लिस्ट कब तक आएगी, फर्स्ट लिस्ट कब तक आएगी, ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट लिस्ट आपकी कम से कम 7-8 तारीख को आएगी, 7-8 जनवरी को आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी कॉलेज अलॉटमेंट लेटर की, तो आपका फर्स्ट लिस्ट है वो कम से कम 7-8 तारीख को मान के चलो। बाकी रहा आपका नई कट ऑफ, नई कट ऑफ के बारे में हम एडवांस वीडियो बना चुके हैं, वो अपने चैनल पर विजिट कर सकते हैं जिसने विजिट नहीं किया है, और कुछ की मेरे से छूट गई जैसे EWS का है तो उसमें OBC के सेम रहने वाली है कट ऑफ, और कोई एक सर्विस मैन मतलब जिसका फादर रिलेशन है या कुछ और है तो उसके लिए थोड़ा नंबर का आंकड़ा कम रहेगा, 250 के समथिंग रहेगा, और कोई विधवा है या उसके लिए 200 नंबर पर विधवा का 200 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कोई आपका डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तब तक के लिए जय हिंद, सभी बच्चे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।